गुरुवार की रात 9 बजे एक मछली कारोबारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके कमर में लगी। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची। आनंद फानन में घायल को SNMMCH में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर धनबाद मुख्य सड़क के समीप घटी। जानकारी के मुताबिक मछली कारोबारी मनोज यादव पिकअप वैन के जरिए मछली की ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार करते हैं। हर दिन पश्चिम बंगाल से बिहार पिकअप वैन के जरिए मछली ले जाते हैं। गुरुवार को भी पिकअप वैन से वो दोनों मछली ले जा रहे थे। मनोज यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मछली लोड पिकअप वैन में जहर डाल दिया जा रहा था। वैन के ऊपर जाली लगी है, उसी के ऊपर से ही मछली में जहर डाल दिया जाता है। मनोज यादव ने बताया कि गुरुवार को भी गोविंदपुर में बाइक सवार दो लोगों के द्वारा जहर डालने की कोशिश की जा रही थी। बदमाशों को रोकने की कोशिश की, इतने में बदमाश मौके से बाइक लेकर फरार हो गए। मनोज द्वारा बाइक से उनका पीछा करने के दौरान गोविंदपुर मोड़ के पास अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिससे गोली उनके जांग में जा लगी। घटना की सूचना पर पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया, साथ ही पूरे मामले की जाँच में जुट गई। क्या हुआ? हम लोग मछली गाड़ी का काम करते हैं। हम लोग यहाँ 2-3 दिन से लोग जहर डाल दे रहा था गाड़ी पिकअप। अच्छा, इसको हम लोग सोचे कि यहाँ से परवर्तन निकाल देंगे अपना देख के। उसी में वो लोग जहर वहर डालने का कोशिश किया था। हम लोग आवाज़ दिए तो वो लोग धनबाद की ओर भाग रहा था। मछली तो करना काम करता है।